यहीं गली के बाहर तक निकला था कुछ सामान लेने के लिए, तो गड़बड़ ये हो गई। बहुत ज़्यादा धूप है यार, बहुत ज़्यादा, आज रियली बहुत ज़्यादा धूप है। छाँव में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे धूप और यहाँ पे छाँव है। फ़िलहाल तो लाइट भी गई हुई है और इतनी शांति है, बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा। चीज़ का बहुत बड़ा दुख है मेरे को, मेरा ट्राईपॉड का जो होल्डर है, जो फ़ोन को होल्ड करके रखता है स्टैंड, टूटने वाला है। बाकी जितने दिन बेचारा सहन करता करता है, देखो क्या होता है आगे, कब तक टूटता है बेचारा। ये इस बात की खुशी होगी कि ये लॉकडाउन तक टिक जाए बेचारा स्टैंड मेरा। अब न्यू परचेज़ करना पड़ेगा। अभी तो मैं दो नए ट्राईपॉड लेने की सोच रहा था, एक स्टिक लेने की सोच रहा था, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते डिलीवरी तो होगी नहीं। तो देखो लॉकडाउन के बाद क्या होता है, कब तक का लॉकडाउन होता है। आज मोदी जी ने कहा है कैंडल लेकर के और अपनी टॉर्च वगैरह, फ़ोन की फ्लैश लाइट वगैरह जला करके, लाइटें वाइटें सब बंद करके घरों की, आज रात को 9 बजे मोदी जी ने याद किया है हम सबको। ये भी वैसे होना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए भी क्योंकि बहुत से लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, बहुत लोग अभी भी इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। और उसके बावजूद भी जब लोगों को शांति नहीं मिल रही है घर बैठ के, और बहुत से लोग बेचारे अपनी शांति सुजा के ला रहे हैं बाहर जा जा के, अब उनके उनके लिए अब मोदी जी का आइडिया भी अच्छा है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं फिलहाल। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अकेले हैं या हम अकेले ये सब चीज़ कर रहे हैं, उसी चीज़ के लिए आज मोदी जी ने रात को 9 बजे का विशेष समय निकाला है सबके लिए कि सब लोग बाहर आइए, ताकि सब एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की सबको एक दूसरे को देख के एक विल पावर मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी कि जो जिंदगी, आ जा तू भी आ जा, तेरे को भी शक्ल दिखानी है, ले होले फेमस होले, बोल दे हाय कर दे सबको। अरे हाँ एक चीज़ तो भूल गया मैं, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ मैं आपको, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप सब ने इतना साथ दिया कि 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं मेरे। बस वन वन के का भी ध्यान रखो यार, वन के बहुत होने ज़रूरी है। क्या कह रहा था कि विल पावर, एनर्जी सबको एक दूसरे को देखकर मिलेगी। मतलब ये होता है कि कई बार बंदे सोचते हैं कि यार ये ज़िंदगी हम अकेले जी रहे हैं, मतलब अपने घर पे बैठ के सब अपने अपने हिसाब से अपने लिए बातें बनाते हैं। तो आज जब सारी दुनिया इकट्ठी निकलेगी, मतलब निकलने से मतलब ये नहीं कि सड़कों पे निकलना है, अपने अपने घरों की बालकनी में और छतों पे, ये नहीं कि सड़कों पे निकल जाओ, पहले की तरह थालियां बजा बजा के सड़कों पे निकल रहे हो, हल्ला गुल्ला कर रहे हो, टॉर्च लेकर के घर पे खड़े रहना है बस, सड़क पे नहीं निकलना। और मैं आपको बताऊं, हमारा मेरा जो एरिया होता है, मेरा जो एरिया है मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, वो है उत्तम नगर। यहाँ पे भी भाई एक केस मेरी नज़रों में, मतलब नज़रों में क्या है, मतलब मेरे एरिया के आसपास ही एक केस निकल के आ गया है। तो कल एम्बुलेंस वगैरह आई थी, पुलिस वगैरह भी आई थी साथ में, तो उसको ले गई है। और ये तार निकाला बनकर, ऊपर खींच रहा तार को, किसका है? किसका केबल का तार है, है? किसी का भी हो, मुझे क्या पता किसका है। तो जो भी है, घरों में अपने खड़े रह के कैंडल वगैरह, दिए वगैरह, टॉर्च वगैरह सब जलाना, और लाइटें वगैरह थोड़ी देर के लिए, 9 मिनट के लिए कहा है उन्होंने, बंद करना है। कोई एक दूसरे को देख के एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी क्या होगी कि सब एक जैसी लाइफ जी रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है इसके अंदर, तो बस जियो यार। अब जब तक लॉकडाउन है, सब की सावधानी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए ये चीज़, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि लॉकडाउन हो रखा है, ये हो रखा है, वो हो रखा है। घर पे बातें बनाने का मतलब ये है कि हर बंदा ये सोचता है कि आज मेरी ये सिचुएशन है, आज मेरी ये सिचुएशन है। यार आपकी अकेले की सिचुएशन नहीं है ये, कि जो अभी आप ज़िंदगी जी रहे हो, अभी जो कुछ दिन आप बिता रहे हो घर पे, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया की सिचुएशन है, और ऑल ओवर वर्ल्ड की, जहाँ जाइए
वायरस फैला है। तो यार बस सेफ्टी रखो, अपना ख्याल रखो। ऐसे यार जो भी कहो, ये फ़ोन बड़ा मेरा साथ दे रहा है मेरा, मतलब एक बिगनर लेवल जो होता है यूट्यूब पर, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है मेरा फ़ोन। मेरा पूरा पूरा साथ दे रहा है, बहुत अच्छा है, मेरा प्यारा फ़ोन है, मेरी नज़र ना लग जाए। और सबसे बढ़िया चीज़ पता है इसके अंदर क्या लगती है, जो महंगे महंगे माइक नहीं आते रोड के और कंपनी के भी, लेकिन रोड मेरे को पता है कि रोड कंपनी का सबसे फेमस है, तो अभी तक तो माइक की भी कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसी। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस और ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए तो कमेंट करके बताना मुझे, और वो माइक लेने में टाइम तो लगेगा, तब तक आपको इसी चीज़ से काम चलाना पड़ेगा। चलिए पता चलिए ये लड़का है जो फूल तोड़ता है ऊपर से, हैं दिखाइयो इस फूल को लेकर कहाँ लेकर जाएगा, कहाँ लेकर जाएगा ये फूल, कहाँ जब कहीं लेकर नहीं जाना, तोड़ा क्यों, अच्छा नहीं लग रहा था लगा हुआ, अच्छा लग रहा था। मंदिर में सजा दियो, ठीक है, या अपने बालों में। ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं ये, और ये बेचारा उजड़ा जमन हो गया। ये देखो ये देखो इसके ऊपर कीड़ा चल रहा है शायद, इस पे कांटे लगे हुए हैं, नहीं कांटे नहीं है। और मैं आपको दिखाता हूँ, आज हम अपने पेड़ पौधों को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो ये भी पेड़ पौधे हैं, ये भी है अपने पास, एक ये भी है, ये भी है, ये बेचारे बच्चे हैं, सॉरी ब्लर हो गया यार, अब बाकी पता नहीं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। वाइड एंगल मैंने किया है तो सही नज़र आ रहा है फ्लावर, ये वाला पता नहीं उससे फोकस क्यों नहीं हो रहा था, मेरे को लग रहा है नज़र लग गई है। ये देखो ये भी कितना अच्छा है। एक चीज़ और कमेंट करके बताना, वाइड एंगल अच्छा है ना, पूरी धरती आ जाती है इसके अंदर। ओए ओए ये ऐसे बर्बाद करता है ये फ्लावर। ये वाला जो घर है जिसमें पेड़ पौधे हैं, इस घर में इतनी अच्छी चिड़ियों की सुबह सुबह आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा इतनी शांति में अभी भी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, और जो कि मतलब आदमी जब बंदा देखो यार, ये सारी दुनिया जब बिज़ी थी ना, फिलहाल सारी दुनिया को रेस्ट मिला हुआ है इस समय, और सब जगह शांति है, एयर पॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, मतलब है ही नहीं यार अब। और कौन जा रहा है, इन भाई साहब को अभी भी जाना है, दिखे नहीं दिखे, नहीं दिखे, चलो जो भी है, मतलब एयर पोल्यूशन नाम मात्र का मतलब बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि नेचर की तरफ हम लोग बिल्कुल इतने बिजी हो गए थे कि हमने बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं थे यार नेचर के ऊपर, और अब थोड़ा फ्री हुए हैं तो नेचर कितना अच्छा लगता है यार, बहुत साफ़ सुथरा नेचर, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैं ये सोचता था कि मैं ही छत पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अब जितने भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं सबको छत पे बनानी पड़ रही है। अब तो मैं ही अकेला बचा हूँ, ये तो हम सारे साथ दे रहे हैं, ये तो हैं हम क्या कर देने वाले, तो अभी हिम्मत क्यों हार रहा है, तो आपकी तो सारी चली है। पाँच बेटा ये तो जाना बहुत भारी पड़ जाती है।
दिखाओ शक्ल, दिखाओ जरा अपनी। आँखों में चुभ रही है। तो फ्रेंड्स जितना आप देख रहे हो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, थोड़ी बहुत ही लाइटें खुली हुई हैं, वो भी बंद हो जाएंगी। आपने देखा कि कितनी खुशियाँ लोगों के अंदर है, और इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि लोगों ने, मोदी जी ने 9 मिनट का टाइम दिया था और लोग आधे घंटे तक लगे हुए हैं। पटाखों की भरमार है भाई साहब, लोगों के जितनी दिवाली पे पटाखे नहीं फूटे उतने आज फूट रहे हैं। आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया हो अच्छे से, और मैं तो कहता हूँ ये जल्दी से कोरोना वायरस चला जाए तो मज़ा आ जाए यार, सबकी ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो जाए। और ये जो आज का मज़ा था ना यार, बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब करते रहो और शेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।